Assalamu alaikum my dear friends, my name is Shahzad Maqsood. Welcome back to new video on my YouTube channel. I hope ke aap sab log khairiyat se honge. Aaj ki video mein hum Xiaomi Poco F3 ko discuss karne wale hain. 22 मार्च को पाकिस्तान मार्केट में एक ऑनलाइन इवेंट होने जा रहा है Xiaomi का, जिसमें Poco F3 और Poco X3 Pro दो डिवाइसेस को लॉन्च किया जाएगा. तो आज की वीडियो में हम Poco F3 को डिस्कस करेंगे. बहुत ही एक्साइटिंग डिवाइस होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको जो चिपसेट प्रोवाइड किया जाएगा वो न्यूली इंट्रोड्यूस बाय क्वालकॉम है, 5G चिप है और 7 नैनोमीटर वाली चिप है. तो बेटर परफॉर्मेंस इस डिवाइस की होने वाली है और ये मिड रेंज प्राइस टैग में आपको एक और स्ट्रेंज फीचर प्रोवाइड करने वाली है. तो आज वीडियो में हम इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं और एट द एंड इसका प्राइस टैग भी डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. तो बिना वक्त जाए किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके कैमरा सेटअप को देखा जाए तो बैक पर इस डिवाइस में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है. मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है. सेकेंड 8 मेगापिक्सल का इस डिवाइस में पैक किया जाएगा. थर्ड वन कैमरा 5 मेगापिक्सल का इस डिवाइस में आपको मिलने वाला है. साथ में बैक पर एक LED फ्लैश भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. फ्रंट पर आए तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इस डिवाइस में पैक किया जाएगा, जो कि हाई रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला है. आगे बढ़े तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है. 3.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर की फास्ट स्पीड इस डिवाइस की होने वाली है और यहाँ पर साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की चिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि 5G है और 7 नैनोमीटर वाली है. आई थिंक ये दूसरी ऐसी डिवाइस है कि जिसमें ये चिप प्रोवाइड की जाएगी और ये 5G चिपसेट होने के साथ में बेटर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करने वाली है, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन की 800 लाइंस वाली चिप है और स्नैपड्रैगन 800 लाइंस बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है. Adreno 650 का GPU डिवाइस का होने वाला है. सुपर AMOLED टच पैनल इस डिवाइस में पैक किया जाएगा, जिसका साइज 6.7 इंच होने वाला है और ये डिस्प्ले आपको 1080x2400 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी और यहाँ पर आपको ऑटो डी बॉक्स कोडिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है. और बेस्ट फीचर इस डिवाइस का ये होने वाला है कि इस डिवाइस में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि आई थिंक इस प्राइस टैग की ये पहली डिवाइस होगी जिसमें आपको इतना हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जाएगा. Nintendo स्टोरी को डिस्कस करें तो जो अभी तक की न्यूज इसकी रिवील की गई हैं, 3 वेरिएंट्स इसके एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन 6GB ऑफ रैम 128GB ऑफ रोम वाला वेरिएंट है, सेकंड वन 8GB ऑफ रैम 128GB ऑफ रोम वाला वेरिएंट है एंड थर्ड वन 12GB ऑफ रैम 256GB ऑफ रोम वाला वेरिएंट है. सो अब देखना ये होगा कि इवेंट में क्या ये तीनों वेरिएंट्स ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे या सिर्फ 128GB ऑफ रोम तक की वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा. साइन मॉडल फिंगरप्रिंट इस डिवाइस में पैक किया जाएगा. यहाँ पर बैटरी को देखें तो 4250mAh की बैटरी इस डिवाइस में पैक की जाएगी, जो कि आई थिंक के थोड़ी सी लो है, लेकिन साथ में आपको 33W पर चार्जिंग की सपोर्ट भी अवेलेबल होने वाली है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला. अब एट द एंड अगर इसकी प्राइस को देखें तो क्योंकि अभी तक इसकी कन्फर्म प्राइस रिवील नहीं की गई, जो कि आपको इवेंट में पता चलने वाली है, सो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस टैग अराउंड अबाउट 55,000 होने वाला है, यानी 52-55,000 के दरमियान में ये डिवाइस लॉन्च की जाएगी. सो इस प्राइस टैग में आपको एक हाई रिफ्रेश रेट और एक 5G फोन मिलने वाला है. सो ये थे वीडियो में, करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो यार जरूर सब्सक्राइब करते जाना. नेक्स्ट वीडियो तक ले जल्दी दीजिए. दिस इज मी शाह मकसूद. अल्लाह हाफिज़.